कुल्लू जिला में कोरोना काल के बीच सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किसानों बागवानों के उत्पाद की खरीद फरोख्त के कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। बाहरी राज्यों से दर्जनों व्यापारियों के कुल्लू पहुंचने के बाद किसानों बागवानों को उनकी फसलों के अच्छे दाम मिल रहे हैं, लेकिन सब्जी मंडी में उत्पाद कम आने से बाहरी राज्यों के व्यापारियों को मायूसी हाथ लगी है। कुल्लू जिला की सब्जी मंडियों में उत्पाद कम आने से पहले जहां 12 घंटे काम होता था, अब सिर्फ 4 घंटे काम हो रहा है। व्यापारी सुबह 11 बजे तक पैकिंग कर सारा कार्य निपटा देते हैं। सब्जी मंडियों में सब्जी कम होने के कारण बाहरी राज्यों को सप्लाई नहीं हो पा रही है, वहीं किसानों बागवानों को उत्पाद के अच्छे दाम मिलने से उनके चेहरे खिल उठे हैं। स्थानीय आढ़ती शेर सिंह ने बताया कि कुल्लू जिला में ग्रामीण क्षेत्रों से किसानों की सब्जियां मंडियों में आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले किसानों को कम दाम मिल रहे थे, लेकिन अब बाहरी राज्यों से व्यापारियों के आने के बाद दामों में उछाल आया है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब प्लम 80 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। कुल्लू जिला में सर टमाटर चला हुआ आजकल जी, मटर चला हुआ है, पत्ता गोभी चली हुई है, फूल गोभी चली हुई है, खीरा चला हुआ है, फ्रांस बीन चली हुई है, और इनके रेट जो पहले थोड़ा कम था जब धीरे धीरे जो छाल आ रहा रेट में जी। टमाटर जो है 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा है, और मटर जो है 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है, और फूल गोभी भी 20 से 25 बिक रही है जी, और बीन्स 20 25 30 तक बिक रही है जी। खीरा जो है 8-10 रुपए किलो बिक रहा है जी, पहले बहुत डाउन बिक रहा था जी, और पत्ता गोभी 4-5 रुपये तक बिक रही है जब जो ताज़ी चली हुई नहीं जी, तो पहले इसके रेट बहुत कम थे जी। ये जो खीरा और पत्ता गोभी जो है ये ज़्यादातर टूरिस्ट जो आते थे तो मतलब उसमें चलती थी अपने होटलों में जी, होटल बंद पड़े हुए हैं, पर्यटक आ नहीं जा रहे जी, इस वजह से इसके डाउन रेट चले पहले जब धीरे धीरे उछाल आ रहा जी इनमें जी। अब बाहर के व्यापारी आने शुरू हो गए, स्थिति सामान्य हो रही है, इसलिए जो अब धीरे धीरे गाड़ी ठीक चल रही पटरी पर जी, तो अब बाहर के जो व्यापारी लोग आने शुरू हो गए जी, और धीरे धीरे जो मतलब अच्छे रेट मिलने किसानों को शुरू हो गए हैं जी। बागवानों को सर जो पलम वाले जो किसान हैं जी, उनको इस बार जितने रेट अच्छे मिले जी, इतने शायद पहले कभी नहीं मिले जी। अब 60 से 80 रुपये तक के रेट उनको मिले हुए हैं जी इस बार किसानों को पलम के जी, तो बल्कि जो प्रोड्यूस था बहुत कम था जी, और उस वजह से भी लॉकडाउन की वजह अगर देखा जाए तो भारी मात्रा में उनको रेट मिले जी। स्थानीय निवासी डागू राम ने बताया कि भुंतर में किसानों बागवानों को उनकी सब्जियों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है। देखिए बात ऐसी है कि सरकार के आदेशों की अनुपालना की जा रही है, डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो मार्केट में सब्जी पहले मंदी बिका करती है, फूलगोभी बंद गोभी, उसमें उछाल आ चुका है, धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है, बाहर से व्यापारी आ रहे हैं। पहले कोरोना की वजह से बाहर व्यापारी नहीं आ सकते, लेकिन व्यापारियों को यहाँ ठहरने की व्यवस्था कर दी गई है, और 14 दिन तक रहने के बाद जो है वो मार्केट में आ चुके हैं। जैसे जैसे व्यापारी बढ़ेगा वैसे वैसे इसका इसमें तेजी आएगी, उछाल आएगा। पंजाब से भुंतर आए व्यापारी पीएस चावला ने कहा कि इस बार कुल्लू जिला में फसल कम होने से किसानों बागवानों को फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। सर मांग तो ऐसी है, कुछ तो बारिश नहीं हुई उसके हिसाब से माल कम है। बाकी जो आगे की मंडी है, आगे की मंडियों में भी सर पहले एक दिन बंद रहती थी, एक दिन मंडी खुली रहती थी, अब मंडी लगातार खुल रही है, उसके हिसाब से माल भी ज़्यादा मांग रहे हैं। उस हिसाब से अगर माल की ज़्यादा मांग रहे हैं तो यहाँ कीमत ऑटोमेटिक बढ़ेगी, कीमत ऑटोमेटिक बढ़ेगी तो किसान भी खुश होगा, गाड़ी वालों को काम मिलेगा, सब्जी थोड़ी सस्ती रही। बाकी जो अब माल निकलने हैं, चाहे लोल के निकले, चाहे लग वैली कहीं का भी निकले, अब जिम्मेदार किसान भाइयों को रेट ठीक मिल रहे हैं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।